नबी तुम फरमाओ अल्लाह सच फरमाता है फतबी रूम था इब्राहिम हनीफा तो पैरवी करो इब्राहिम की जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे यह हनीफा का मतलब होता है सबसे टूट कर एक अल्लाह का हो जाने वाला वमा का नमीन मुशरकिन और इब्राहिम तो मुशरक नहीं थे तुम कहते हो हम इब्राहिमी हैं शिरक कर रहे हो तुम ये उदोन सारा तो इब्राहिम की तो बुनिया तोहेद थी तुमने अजरत ईसा के बारे में डिविनिटी क्लेम कर दी है ईसाइयों ने यहूदियों ने डिविनिटी क्लेम कर दिया के बारे में तो तुम कहां से पैगम्बरों के मानने वाले हो हो सिर्फ नस्बत लगाने से हो हो ऐसे नहीं होता अच्छा यहां पर मैं क्रिटिकल मसला आपको बता दू कुरान की आय वाज सबूत है कि आप पुरानी इलामी किताबों से भी इस्ता कर सकते हैं बशर्ते के आपको यहूद नसारा को समझाने की जरूरत पड़े यह हर बंदे का काम नहीं है कि तुरात इंजील खोल के पढ़ना शुरू कर दे वो बंदा जिसने कुरान तो खोल के पढ़ा ही नहीं अभी कुरान के अंदर क्या लिखा है तो उन्होंने तुरात इंजील खोल के बैठे ऐसे बंदे को तो उल्टा लटकाना चाहिए अलबत्ता जो लोग दावत तबलीग का काम कर रहे हैं जिनके डिबेट्स हो जाती हैं वैसे तो हर मुसलमान को बड़ा शौक होता है डिबेट करने का बाहर के मुल्कों में जितने लोग गए हैं ना वो हमेशा इसी शौक़ में पढ़े रहते हैं कि हमने डिबेट करनी है वो भाई क़ुरान पढ़ो अपने अकीद पहले ठीक करो डिबेट तो करनी है तो अडी कॉम्पिटेंसी नहीं है बाज़ लोग एक हदीस का सहारा लेते हैं जो सुनन दारमी में है कि हज़रत उमर के हाथ में इस्लाम ने एक दफ़ा तौरात के चंद सफ़े देखे तो आप इतना गु़स्से में आए कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि कुरान के बाद भी और फिर फरमाया अगर आज मूसा भी ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी करते ये हदीस असूल महदसन पर ज़यीफ़ है ये मशक़ातमसाबी में शुरू ही में मौजूद है पहली जिल्द में बिल बिलकिताब सुन्ना चैप्टर में उस पर तकीम लगी है और वैसे ही कुरान के ख़िलाफ़ है कुरान तो ऐसी बात नहीं कर रहा कि तुरात से हवाला देना ये कोई गुना का काम है तो नबी इसलाम कैसे इस पर गुस्सा खा सकते थे नबी अस्लाम तो ख़ुद अल्लाह ताली उनको हुक्म दे रहे हैं यह देखें ना उल फू बित फतलू है नबी इसे को तुरत ले आओ पढ़ो बताओ कहाँ लिखा है इससे भी बढ़ के सूरत अहकाफ़ के स्टार्ट में आता है ईतूनी बि किताब मिन कब लिहादाओं को तुम सादीन ए नबी अगर ये इस कुरान को नहीं मान रहे इनको को इस कुरान से पहले जो तुम्हारे पास अपनी किताबें हैं ना वो लेकर आओ और जो अंबिया का इल्म तुम्हारे पास चलता आ रहा है वो लेकर आओ जिस उससे मुझे बताओ कि शिरक कहां है उन किताबों में शिरक लिखा हुआ शिरक के हवाले से अल्लाह के फजल से तमाम इलामी किताबें एक खुदा के मानने की तरफ तरगीब दिलाती है डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी इंग्लिश में बाद में मेरे लिए उर्दू में भी उन्होंने करवाई है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में जितने भी मिजाब हैं उनकी किताबों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है गॉड का एक ही खुदा का इवन हिंदुजम की किताबों में एक खुदा पारसियों की किताबों में एक खुदा सिख तो एक खुदा के मानने वाले आज के ज्यूज भी सबके सब, के सब एक खुदा में यकीन रखते हैं वो पुराने नबी इस्लाम के जमाने के ज्यूज़ उजैर को अल्लाह का बेटा कहते थे आज के जो ज्यूज हैं वो पक्के मवाहिद हैं इस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिश्चियंस की किताबें में कितने क्रिस्चियंस मुसलमान हुए हैं अपनी झील पढ़ के।, के इसमें जो खुदा का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एक खुदा का ये मामले प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिर्फ मुसलमान जो है वो इस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं और ये भी अल्लाह का मुसलमानों पे बड़ा करम है कि एज फार एज तो फिजात इज कंसर्न ताल ता उम्मत मुसलम शिरक से महफूज है सिफात में जरूर शिरकिया कायदा है लेकिन खुदा की जात के हवाले से किसी ने शिरक नहीं किया नबील इस्लाम को कभी किसी ने अल्लाह का बेटा करार नहीं दिया हर कोई नमाज में बढ़ता है मुहम्मद अब्दू हो रसूल हो आप किसी गैस गुजरे मुसलमान जो कबर के आगे भी जाके झूक रहे हैं ना उससे भी आप जाके डिस्कशन करें ना कि ये खुदा है या खुदा का बेटा जी तोबा अल्लाह का बंदा है इस लेवल पे मुसलमान नहीं कभी उतरे हाँ बाकी वो जो कुछ खुराफात कर रहे हैं वो अलग बात है लेकिन तोहहीद फिजात जो है ना उस हवाले से अल्लाह तला का खास इस उम्मत पर कर्म है और इस उम्मत का खमीर तोहद से उठा है उन लोगों के अंदर इस तरह की खराबियां आ गई तो अल्लाह तमाम कि इब्राहिम की पैरवी करो व माकाना मिनल मुशरकिन इब्राहिम मुशरक नहीं थे तो ये मैंने इसलिए यानी डिस्कशन की कि बाद लोग तौरात इन झील को पढ़ने को उसके हवालों को बुरा समझते हैं और ऐसे स्कॉलर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं कि जी ये जी तौरात से हवाले दे रहे हैं यहूदियों को सर यहूदियों को तरात से ही हवाला देंगे तो मानेंगे ना कुरान को तो वह मानते ही नहीं हैं तो जिसकी जो किताब होगी उससे उसकी किताब से ही हवाला दिया जाएगा ना और फिर मुसलमान कहते हैं यार देखो हर चीज तो रात में लिखी हुई है इस्लाम की प्रोफिस भी मौजूद हैं फिर भी ये कितने डेटा ईमान नहीं ला रहे तो सर मेरा सवाल है आपसे आप अपनी किताबों पर ईमान ले आए हैं आपने उस तरीके पर नमाज शुरू कर दी है जो बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है आपके अकीदे कुरान के मुताबिक हैं है? मुंह अड़ के बह जाएंगे तो थोड़े तो ये उदीज के फर्क है करतूत तो इको जिन दो हमारे हैदर नकवी भाई हैं एक बड़े डिसेंट शिया आलिम हैं उन्होंने बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा कोई गैर मुस्लिम आपके पास आए और वो कहे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की कौन सी किताब है कि जिसको मैं पढ़ के अपने अकीदे दुरुस्त कर लूँ कि क्यामत के दिन की कामयाबियाँ मेरी मुकदर हो जाएँ तो वो कौन सी किताब है तो आप बड़े फकर्र से कहेंगे जी ये हमारी किताब है क़ुरान जो महफूज़ है और एक एक लफ्ज़ इसका महफूज है ऐत जुमला हर मुसलमान ने रटे है जी तब्दील नहीं हुई कि जबर जेर भी नहीं तब्दील हुई तो आगे से अगर वो गौरा ये पूछ ले कि भाई आप मुझे तो मशवरा दे रहे हो आपने अपने अकीदे इसी कुरान के मुताबिक सही कर लिए हैं पढ़ के तो कितने मुसलमान हैं जो आगे से कहेंगे कि के हाँ जी हमने भी पढ़ के अपने अकीदे सही किए हैं तो गोरे को मशवरा दे रहे हैं। कोई सीरियस नहीं ये तो सिर्फ किताब इसलिए मुसलमानों के पास के मुर्दे बख्शवाले इससे नहीं बख्शे जाने है। ये कुरान आप साथ भी कहीं किसी मैय के साथ कब्र में दफन कर देना कोई फर्क नहीं पड़ना अल्लाह ताला ने हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक उठाना है